बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से चर्चा की। बैठक में वोटर कार्ड बनवाने की समस्या को लेकर आश्वासन दिया। विधायक शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में मंडल और सेक्टर स्तर पर अभियान चलाकर वोटर कार्ड बनवाए जाएंगे। तो वहीं अनादि टीवी से बातचीत के दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी काम करती है। दिग्विजय सिंह हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। हुजूर विधायक आज अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आगे आगामी की बैठक को लेकर तैयारियां भी जो है वो बीएलओ से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के स्वाभिमान हैं और भारत की प्रतिष्ठा है। दिग्विजय सिंह जी, जो टोपी तुम वोट के लिए पहनते हो वो टोपी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पहनता। हम हमारे पुरखे राम हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे मन में वचनों में कर्म में राम और हिंदुस्तान झलकता है। हम वोट के खातिर राम को दांव पे नहीं लगाते, हम राम के प्रमाण नहीं मांगते जो तुम्हारी कांग्रेस और तुम मांगते हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि दिग्विजय सिंह किस किस के द्वार पर घुटने टेकोगे, किस किस के खातिर, किस किस के वोट के खातिर, किस किस के द्वार पर जाकर अपने धर्म को बदलोगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म नहीं बदलती। हमारा धर्म एक है, हमारा देश एक है, हमारा वचन एक है, हमारा कर्म एक है। तुम जाते हो और टोपी पहनकर मजहब पे जाकर वहां पर उन्माद फैलाते हो, तुम हिंदू और मुसलमान दंगे कराते हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में कोई टोपी नहीं लगाते, हम तो एक टोपी लगाते हैं, वो जय जय श्री राम की लगाते हैं। आपने कमलनाथ सरकार पे आरोप लगाया कि उन्हें मस्जिद नहीं हटने दी, अब बात करेंगे इस पे। ये रामेश्वर शर्मा थे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे और अधिक समय न देते हुए हमसे एक मामले को कुर्सियां बीच में से हटा दीजिए और कई हम मामलों को लेकर भी बात कर रहे थे। दिव्य सिंह पर भी निशाना सा रहा है। कैमरामैन इरफान के साथ विवेक पांडे, एनआई टीवी भोपाल। हुजूर